तो हाँ जी, क्या हालचाल। तो भाई Redmi Ready अपने Note 13 सीरीज के अंदर एक नया स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए, नाम है Redmi Note 13 R Pro। जी हाँ, ये स्मार्टफोन लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से रेडी है। और मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब कब तक लॉन्च हो जाएगा, तो ये 20 नवंबर को चाइना में लॉन्च होगा। लेकिन मन में अभी भी सवाल है, क्या इंडिया में लॉन्च होगी? जी हाँ, डेफिनेटली ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगी, लेकिन इस नाम के साथ नहीं आएगी। ये पोको के ब्रांडिंग के साथ आने वाली है, लेकिन कौन सा मॉडल होगा ये अभी कुछ अपडेट कंफर्म नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं है। जैसे मुझे कंफर्मेशन मिल जाती है मैं बता दूंगा, लेकिन आप बताइए अभी कमेंट करके कि ये स्मार्टफोन किस पोको के किस मतलब मॉडल नंबर के साथ ये आ सकता है, आपको क्या लगता है बताएं कमेंट करके। लेकिन अभी हम शेयर करेंगे आपके साथ Redmi Note 13 R Pro को लेकर दिखने में कैसा होने वाला है, क्या स्पेक्स होगी और क्या प्राइस पॉइंट हो सकती है, सब कुछ शेयर करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री है, मुझे बेनिफिट मिल जाती है, अपने भाई को सपोर्ट करिए। मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट अनूप, आप देख रहे हो खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप हैं तभी तो मैं हूँ। तो हाँ जी, चलिए देखते कि Redmi Note 13 R Pro में से क्या खास होने वाला, दिखने में कैसा होने वाला है। शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। तो फिलहाल बताया जा रहा है प्लास्टिक बिल्ड ही देखने को मिलेगी। जी हाँ, प्लास्टिक का बैक होगा, प्लास्टिक का फ्रेम होगा, ग्लास फ्रंट के साथ देखने को मिलने वाली है। लेकिन फ्रंट में किस चीज का प्रोटेक्शन होगी, बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन फोन का वेट बताया जा रहा है लमसम 174 ग्राम, थिकनेस 7.73 mm, साथ ही IP53 की रेटिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि धूल और पानी दोनों से ही फोन को प्रोटेक्ट करने वाली है, बॉक्सी डिजाइन में देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई खराब नहीं है। अब बात करते हैं इसके डिजाइन की। तो फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका, आप देख सकते हैं। बैक साइड में देखेंगे, टॉप पर आपको डुअल कैमरा की हाउसिंग मिलती है एलईडी फ्लैश के साथ, नीचे रेडमी की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ फ्लैट डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बॉडी टू रेशियो बताया जा रही है समवेयर अराउंड 89% के आसपास देखने को मिलेगी। वेजल्स और चीन एकदम पतली सी होने वाली है। लेकिन रही बात कलर्स की, तो तीन कलर्स बताया जा रहे देखने को मिलने वाली है, ब्लैक, ब्लू, गोल्ड। तीनों ही कलर शानदार है, अच्छा लग रहा, कोई खराब नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो यहां बताया जाए आपको देखने को मिलेगा 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस 10 बिट का ओलेड पैनल, 2400x1080 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20:1 का स्पेक रेशियो, 395 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 1200 nits की पिक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10+, वाइड वाइन L1 सपोर्ट। भाई साहब जबरदस्त है, यहाँ पर 10 बिट्स का है, कलर्स आपको अच्छे मिलेंगे, ब्राइटनेस भी यहाँ पर अच्छी दी गई है, इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सोशल मीडिया पेज स्क्रॉल करते हैं, गेमिंग करते हैं, स्मूथनेस फिर नजर आ जाएगी। ये कंटेंट कंज्यूम करते हैं यहाँ पर, तो नेटफ्लिक्स को साइड करते हैं, तो यूट्यूब और अमेजन पर HDR कंटेंट रगड़ कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो इस फोन को शक्ति देगा मीडिया टेक की तरफ से डायमेंसिटी 6080 प्रोसेसर। प्रोसेसर अच्छी, कोई खराब नहीं है। 6 नैनोमीटर के फैब्रिक से बनाया गया है, एनर्जी में से मस्त रहती है, हीटिंग उसे काफी कम देखने को मिलता है। चलिए एक नजर डालते हैं इसके रॉस की तरफ, यहां मिलता है 2 कॉर्टेक्स A76 जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किया गया है, वहीं 6 कॉर्टेक्स A55 जो कि 2 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किया गया है। परफॉर्मेंस ठीक है, कोई खराब नहीं है। गेमिंग भी आप अच्छे से कर सकते हैं, नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि मिलता है आर माली G57 MC2 GPU, साथ ही LPDDR4X RAM, UFS 2.2 वाले स्टोरेज देखने को मिल जाती है, यानी कि रीड राइट की स्पीड आपको डिसेंट मिलने वाली है। गेमिंग आप नॉर्मल गेमिंग तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परफॉर्मेंस आपको डिसेंट मिलने वाली है। 5G बैंड आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। लेकिन रही बात ऑनटू स्कोर की, तो इस प्रोसेसर का स्कोर आया था 427,000, 427,000 के आसपास देखने को मिला था। आप सबको पता ही है यदि आपको अच्छी गेमिंग करनी है तो 600,000 मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ 430,000 के आसपास है, यानी कि परफॉर्मेंस डिसेंट निकाल के देगा, कोई कंप्लेंट तो नहीं आएगी। लेकिन बात करें कैमरा की, तो डुअल कैमरा है, पहला है 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, वहीं 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर जो कोई काम के नहीं है, मेन सेंसर काम का आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली OIS सपोर्ट है ही नहीं यहां पर, यह बताया गया है। अब EIS सपोर्ट है कि नहीं ये भी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन रियर से आप सिर्फ और सिर्फ 1080x30 तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन रही बात फ्रंट की ना, यानी कि आपके खूबसूरत चेहरे को कैप्चर करने के लिए, रील शॉट्स बनाने के लिए 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया, जहां से 1080x30 रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कैमरा क्वालिटी देखी जाए डिसेंट क्वालिटी है, काम चला लेगा, यानी कि अपने इंस्टाग्राम पेज पर, जो आप सोशल मीडिया पेज पर फोटो को शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बात करें बैटरी की,
तो यहाँ मिलेगा 5000 mAh की बैटरी, 33 W की चार्जिंग सपोर्ट। चार्जर बॉक्स में डेफिनेटली देखने को मिलेगी, बैकअप ठीक ठाक निकल के दे देता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कैसा यूज करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं इसके सेंसर सिक्योरिटी प्राइवेसी की। नो डाउट साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा, सेंसर में सारे सेंसर मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, फलाना ढिकाना, शटर, फुटर, आईआर ब्लास्टर सब मिलेंगे। यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, सिंगल स्पीकर देखने को मिलेगा, हाँ 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को मिलेगा, और कहा जा रहा है कि चांसेस है कि डेडिकेटेड कार स्लॉट भी देखने को मिल सकती है, हाइब्रिड या डेडिकेटेड कोई एक मिलेगा, लेकिन चांसेस है कि डेडिकेटेड कार स्लॉट देखने को मिलेगा। ख्याल रखिए भाई सब रेडमी आप लोग के लिए। लेकिन बात करें सॉफ्टवेयर की, यहां मिलेगा एंड्रॉइड 13 को पर आउट ऑफ दी बॉक्स, आती है MIUI 14 देखने को मिलेगा, ब्लॉडवेयर भाई साहब डेफिनेटली देखने को मिलेगा, हटा सकते हैं, देखा जाए सॉफ्टवेयर एक्सपेक्ट आपको डिसेंट मिलने वाली है। लेकिन बात करें वेरिएंट्स की, तो भाई साहब बताया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ दो ही वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलने वाला है, 8+128 और 12+256। अच्छी खासी है, कोई खराब नहीं है, इतना रिक्वायरमेंट हो जाती है प्राइस पॉइंट के लिहाज से देखा जाए। और अरे बात कर रहे हैं प्राइस की, तो उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, 150 का टारगेट है, पहुंचाइए, शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड फैमिली के साथ, चैनल में परिवार है तो सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को ऑन के बिना के मत जाइए, क्योंकि आपके लिए तो फ्री होती ही है, हमें थोड़ा सा यहाँ पर बेनिफिट मिल जाती है और क्या जा रहा है। खैर बात करें प्राइस की, तो देखिए प्राइस जो बताई जा रही है वो बताया जा रही है समवेयर अराउंड 18,000 के अंदर देखने को मिल सकती है, ये मेरा प्रिडिक्शन है, क्योंकि प्राइस अभी सामने नहीं आई है, ये 18,000 के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन बाकी आप बताइए, तो मैंने पहले पूछा था कि रेडमी नोट 13R प्रो इंडिया में तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन पोको के ब्रांडिंग के अंदर आने वाला है, लेकिन मॉडल कौन सा होगा यदि आपको पता है बताइए कमेंट करके, एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, जिसका सही लगेगा हम उसको कमेंट जरूर करेंगे, हाँ या ना मैं जरूर कमेंट करेंगे, एकदम पक्का होता है ना तो पिन भी कर दूंगा मैं, और क्या प्राइस पॉइंट साथ आ सकती है ये जरूर बताएं कमेंट करके, और कितना एक्साइटेड है रेडमी नोट 13R प्रो को लेकर जरूर बताएं कमेंट करके, और कमेंट भाई साहब किया कीजिए, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिल जाता है आपके कमेंट को देखकर, थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है, और ऊपर से यूट्यूब के एल क्वेश्चन को भी लग जाता है, तो व्यूज में हेल्प होता है, और क्या फ्री तो है, सपोर्ट करिए, प्यार बरसाइए अपने भाई के, सपोर्ट करिए, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Ooh.